हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम विजन आईएएस के 18 मार्च वाले डेली करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज पब्लिश हुई हैं। हम जानेंगे क्या क्या आर्टिकल्स किन किन इश्यू के बारे में है। तो पहला आर्टिकल हमारा बेसिकली स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल रिपोर्ट, ये रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशंस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स के द्वारा। सबसे पहली बात, प्रीलिम्स 2021 के लिए आपको याद ये रखना है कि दिस रिपोर्ट दैट इज स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स रिपोर्ट रिलीज किनके द्वारा की जाती है, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। इसके अलावा प्रीलिम्स 2021 के लिए कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, एक भी पॉइंट इसके रिपोर्ट के इंटरनल बातों को याद नहीं रखना है। लेकिन हाँ, इनके जो सजेशन है वो मेंस के लिए फोर्डर पॉइंट्स के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं, तो आप इसको सुन सकते हो बेसिकली। तो क्या की इश्यूज आइडेंटिफाई की गई हैं, तो आप देख सकते हो इंडिजीनियस पीपल की जो रिलेशनशिप है उनके लैंड के साथ, उनके टेरिटरीज के साथ और रिसोर्सेज के साथ, विच इज एट देयर हार्ट ऑफ देयर आइडेंटिटी वेल बींग एंड कल्चर, ये बातें बोली जा रही हैं इन रिपोर्ट में। और फिर क्या बोला जा रहा है, जो कंसर्न्स रेज किए जा रहे हैं कि इंडिजीनियस पीपल बेसिकली फेसेस चैलेंजेस व्हेन एजर्ट्स देयर राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एक्सटेंसिव इंडस्ट्री ऑपरेशन, यानी कि जब कोई इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस उनके रीजन में आती हैं तो उससे बेसिकली उनके राइट्स को क्लेम कर पाना मुश्किल हो जाता है। एग्री बिजनेस, प्लांटेशन कह सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या कंजर्वेशन इनिशिएटिव्स, ये सब जो कुछ भी एक्टिविटीज होती है, कहीं ना कहीं ये मजबूर हो जाते हैं ट्राइबल्स पीपल या फिर इंडिजीनियस पीपल टू डिस्कार्ड देयर डिमांड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताई गई है जो ड्राफ्ट अमेंडमेंट टू इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 है, ये जब आएंगी, पास हो जाएंगी, तो ये थ्रेटन कर सकती है इंडिजीनियस फॉरेस्ट राइट्स जो रिकॉग्नाइज की गई हैं फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के तहत, है ना। फिर अन्य जो बातें की गई हैं कि देयर रिमेन्स ए वाइड गैप बिटवीन फॉर्मल रिकॉग्निशन एंड एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन ऑफ सच राइट्स, तो ये इश्यूज तो हर मैटर के साथ रहती है, यानी कि जो राइट एक्ट के अनुसार इन्हें मिली है, लेकिन जो एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन हो रहा है उनके अधिकारों के लिए, उसमें काफी ज्यादा वाइड गैप हमें देखने को मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हो ओवर 46% ऑफ कम्युनिटी लैंड क्लेम्स अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट उसको रिजेक्ट कर दिए गए हैं ऑन द ग्राउंड ऑफ इनवैलिड, है ना, इनवैलिड ग्राउंड्स पे, यानी कि कोई प्रॉपर रीजन ही नहीं है रिजेक्ट करने की, फिर भी रिजेक्ट कर दी गई है। और फिर ये भी बातें कही गई हैं कि इंडिजीनियस वोमेन एक महत्वपूर्ण रोल निभाती हैं, खासकर ट्रेडिशनल रिलेशनशिप मेंटेनेंस में द पीपल हैव विद द लैंड। और फिर इतने स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप के बावजूद जो लीगल स्टेटस जो इनका है रिलेटेड टू लैंड राइट्स वो हैम्पर कर दी जाती है, क्यों, बिकॉज ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एंड पॉवर्टी रिलेटेड बैरियर। तो ये सब कुछ बातें हैं, आप देख सकते हो। और फिर क्या बातें कही गई हैं, ये जो हमारा SDG आउटकम्स हैं, यानी कि जो आपका 17 गोल्स SDG के जो 2030 तक कंप्लीट करने हैं, अचीव करने हैं, तो जो SDG आउटकम्स है वो सिग्निफिकेंटली डिपेंडेंट है, यानी कि SDG का जो अचीवमेंट है वो डिपेंड करेगा ऑन द वे लैंड एंड रिसोर्स आर मैनेज्ड, है ना, बिकॉज फूड सिक्योरिटी अचीव करनी है तो वो तो वही है ना, लैंड्स एसोसिएटेड एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, लैंड्स और फॉरेस्ट एसोसिएटेड क्लाइमेट चेंज। तो अगर लैंड जिस तरीके से यूज किए जाएंगे, रिसोर्स जिस वे में यूज किए जाएंगे, वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेंगे SDG के आउटकम्स को, ये तो पता ही है। और सजेशंस क्या बातें कही गई हैं सजेशंस के तौर पर, तो आप देख सकते हो एसेसेबल एंड अफोर्डेबल मैकेनिज्म प्रदान करने की बात कही गई है फॉर इफेक्टिवली आइडेंटिफाइंग एंड डिमार्केट इंडिजीनियस ट्रेडिशनल लैंड्स अलोंग विद पार्टिकुलर अटेंशन प्रदान किया जाए टू टिपिकली वल्नरेबल सेक्शन या ग्रुप विद इन इंडिजीनियस पॉपुलेशन, यानी कि PVTs या फिर वोमेन हो सकती है, या फिर चिल्ड्रेन हो सकती है, या फिर यूथ हो सकती है, अलोंग विद पॉलिसीज एंड प्रोग्राम विच आर रिलेटेड टू कंजर्वेशन और परस्यूट ऑफ कॉमर्शियल एक्टिविटी, उसे फुल्ली कंसिस्टेंट होना चाहिए विथ रेस्पेक्ट टू इंडिजीनियस पीपल्स राइट, ऐसा ना हो कि दोनों के बीच कंफ्लिक्ट हो और कंफ्लिक्ट के कारण कहीं ना कहीं जो एम एंड ऑब्जेक्टिव है इंडिजीनियस ट्राइबल पीपल्स को बेसिकली इंडिजीनियस रखने की, उनके अधिकार की, वो प्रभावित हो जाए।
और फिर ये भी बात कही गई है, इट शुड मस्ट इंश्योर इंडिजीनियस पीपल्स पार्टिसिपेशन इन स्ट्रेटेजिक लैंड प्लानिंग। और फिर अन्य बातें देख सकते हो आप, नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन ये कंटिन्यू करे टू सपोर्ट द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल अलोंग विथ ट्रेनिंग एंड असिस्टेंस इंडिजीनियस पीपल्स को दी जाए टू कैरी आउट मैपिंग एंड डिमार्केशन ऑफ देयर एंसेस्ट्रल लैंड एंड टेरिटरी। फिर देख सकते हो फेयर एंड इफेक्टिव ग्रीवेंस मैकेनिज्म प्रदान करने की बात की गई है इंडिजीनियस वोमेन को, अलोंग विथ व्हाट फुल इम्प्लीमेंटेशन हो ऑफ द कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन। तो क्या बातें कही गई हैं आप देख सकते हैं, ये जो कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वोमेन इसका फुल इम्प्लीमेंटेशन किया था, एलोंग विथ इंक्लूड रिकॉग्निशन ऑफ कस्टमरी राइट्स और टेन्योर ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स टू देयर लैंड्स एंड रिसोर्सेस इन देयर डाटा ऑन सिक्योर एंड लैंड टेन्योर राइट्स इन एसडीजी रिपोर्टिंग। सिंपली रिकॉग्निशन प्रदान की जाए उनके कस्टमरी राइट्स या फिर उनके जो टेन्योर है इंडिजीनियस पीपल्स का, उन्हें ये बातें बोली गई है। तो बात करते हैं प्रीलिम्स 2021 के लिए, तो प्रीलिम्स 2021 के लिए मैंने आपको बता दिया सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, वो है स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल्स रिपोर्ट रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर। सिंपली आप यूनाइटेड नेशन भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज अबाउट थर्ड एडिशन ऑफ द एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर हुई है रिसेंटली, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं, मेंबर्स से पूछे गए हैं प्रीलिम्स के लिए, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली अगर बोला जाए डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या होता है डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी डिजास्टर से रिजिलिएंट हो। ऐसे नेचुरल डिजास्टर या मैनमेड डिजास्टर अगर आते हैं और हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर प्रोटेक्ट होती हैं उन डिजास्टर से, तो हम कह सकते हैं कि वो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो डिजास्टर रिजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाए जाते हैं, तो स्ट्रक्चरल मेजर्स हो सकते हैं जिसमें इंजीनियरिंग डिजाइन हो गए, या फिर स्टैंडर्ड्स टू रिफ्लेक्ट द डिजास्टर रिस्क लाइक फ्लड कंट्रोल सिस्टम अटैच कर दिया जाए, या फिर रेट्रोफिटिंग ऑफ बिल्डिंग्स हो सके। तो ये स्ट्रक्चरल मेजर्स है, वी आर चेंजिंग वी आर रीडिजाइनिंग द स्ट्रक्चर्स हियर। नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स में क्या होते हैं, लाइक रिस्क सेंसिटिव प्लानिंग, लेट्स से कोई एरिया है जो डिजास्टर प्रोन है, लेट्स से जो उत्तराखंड वो डिजास्टर प्रोन है, तो वहां पर उस प्रकार की प्लानिंग की जाए जो मिनिमम नुकसान पहुंचाए, ये होता है आपका नॉन स्ट्रक्चरल मेजर्स। इनेबलिंग इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, हजार्ड मैपिंग, इकोसिस्टम बेस्ड मैनेजमेंट एंड डिजास्टर रिस्क फाइनेंसिंग, तो ये सब कुछ बातें हैं आप देख सकते हो। अगर हम CDRI की बात करें, ये इंपॉर्टेंट है आपको जानना, अच्छे से आप जान लो CDRI के बारे में, ये वॉलेंटरी मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल ग्रुपिंग है, और याद रखना है इसमें गवर्नमेंट्स आती हैं, यूनाइटेड नेशन की एजेंसीज भी शामिल है, प्राइवेट सेक्टर्स भी शामिल है। किस ऑब्जेक्टिव से ये मिलती है, टू डेवलप रिजिलेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर टू द क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। और आपको बार बार कह दे कि ये जो अनाउंस की गई थी इंडिया के PM यानी ये हमारे PM के द्वारा एट द यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019, इसको आप आंख बंद कर याद रख ले, ये जो CDRI का कंसेप्ट है, इंडियन इनिशिएटिव है, जो बेसिकली अनाउंस की गई थी यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में। और बेसिकली CDRI टारगेट सेट करता है मेंबर कंट्रीज के लिए कि भाई साहब आप डिजास्टर डेथ्स कम करो, इकोनॉमिक लॉसेस कम करो एंड स्ट्राइव करो टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और साथ ही साथ इट आल्सो वर्क्स एट द इंटरसेक्शन ऑफ सेंडाई फ्रेमवर्क, और ये सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में आपको इतना पता जरूर होना चाहिए कि जो सेंडाई फ्रेमवर्क है वो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए है एंड पेरिस क्लाइमेट चेंज, तो ये भी इन सब के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए कहीं ना कहीं वर्क करता है। तो हमें याद रखना है ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसके बारे में, और जो गवर्निंग काउंसिल है आपको पता होनी चाहिए, हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है CDRI का, और इंडिया इज द को चेयर अलोंग विद UK। और फिर आप देख सकते हो ऑन द ओकेजन जो अभी हाल ही में हुई है समिट, जिसमें PM मोदी ने हाईलाइट किया है द रोल ऑफ CDRI इन एड्रेसिंग कंसर्न्स
ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल नेशंस एंड आरएनडी यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स है, पार्टिकुलरली हेल्थ एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर हम मेंबर कंट्रीज की बात करें सीडीआरआई की, इसे आपको याद ये रखना है, पूरे मेंबर्स को क्या याद रखने की जरूरत है, कभी नहीं ये गलती करना। इंडिया, यस आपको याद रखने हैं। यूके, यस याद रखने हैं। चाइना है या नहीं, यहाँ ध्यान दो, चाइना नहीं है, तो बस यही याद रखने, इंडिया है, यूके है, यूएसए है और चाइना नहीं है, बस ये चार नाम आपको याद होने चाहिए। और लेट्स मूव की व्हाट इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स 2021। तो आप देख सकते हो, सबसे पहली बात तो सीडीआरआई के बेसिक के बारे में पता होनी चाहिए। ये जो सीडीआरआई है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन की कोई बॉडी नहीं है, ये बेसिकली आपका वॉलेंट्री मल्टी स्टेक होल्डर इंटरनेशनल ग्रुपिंग है जिसमें ये सब स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है? टू डेवलप रिजिलियंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम टू क्लाइमेट एंड डिजास्टर रिस्क। और ये अनाउंस कब की गई थी, ये याद रखना है, यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट 2019 में। और फिर क्या याद रखना है, सेंडाई फ्रेमवर्क किसके लिए है? सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन इसके लिए है, ये याद रखना है आपको अच्छे से। और मेंबर कंट्रीज के बारे में मैंने बताया, इंडिया, यूके, यूएसए, चाइना नहीं है, ये अच्छे से पता होनी चाहिए। और बेसिकली अफगानिस्तान, श्रीलंका, इतने राष्ट्र के नाम आपको पता हो जाए तो और भी बेहतर है। बात करते हैं टॉपिक नंबर 3, इट इज अबाउट फर्स्ट शिपमेंट ऑफ फूड प्रोडक्ट फ्रॉम बांग्लादेश टू इंडिया वाया इनलैंड वाटरवेज शुरू हो गई है। तो ये देख सकते हैं, ये जो शिपमेंट का ट्रांसफर हुआ है, इट हैज लेफ्ट फ्रॉम पलश जो आपका नारसीगढ़ी रीजन में है, बांग्लादेश में पड़ता है, एंड ये कोलकाता पहुंचेंगी यूजिंग द इनलैंड वाटरवेज। और वो बेसिकली प्रोटोकॉल रूट्स, प्रोटोकॉल रूट्स यानी कि जो रूट्स डेडिकेट की गई हैं उस रूट्स के माध्यम से ये इनलैंड वाटरवेज के सहारे कोलकाता पहुंच रही है। लेकिन आपको ये पता है कि इससे पहले भी हमने डिस्कशन किया था कि जो सितंबर 2020 का पीरियड था, इसमें फर्स्ट शिपमेंट ऑन द प्रोटोकॉल रूट कमेंस की गई थी जब सीमेंट सेंड किया गया था फ्रॉम दाउकांडी इन बांग्लादेश टू सोनमौरा इन त्रिपुरा ऑन द न्यू प्रोटोकॉल रूट। अब ये नया प्रोटोकॉल रूट आपका कोलकाता, बांग्लादेश से कोलकाता है, इससे पहले बेसिकली सीमेंट शिपमेंट की गई थी फ्रॉम बांग्लादेश टू त्रिपुरा। और याद रखना है आपको, इंडिया और बांग्लादेश दोनों हैव ए प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट, और ये 1972 में ही साइन की गई थी, और इसके तहत इनलैंड वाटर वेज रूट एसेस किए जा सकते हैं एंड पोर्ट्स ऑफ कॉल। पोर्ट्स ऑफ कॉल बेसिकली इंटरमीडिएट स्टॉप कह सकते हो फॉर ए शिप, है ना। पोर्ट्स तो आपका नॉर्मल पोर्ट्स हो गया, लेकिन पोर्ट्स ऑफ कॉल यानी कि कभी इंटरमीडिएट स्टॉपेज की जरूरत पड़े तो वो होते हैं पोर्ट्स ऑफ कॉल रिलेटेड अग्रीमेंट। ये आपका 1972 में साइन की गई थी मई 2020 में, एडेंडम टू PIWTT इंक्लूडेड न्यू रूट्स एंड पोर्ट्स ऑफ कॉल, है ना। तो ये इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपका बेसिकली प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट का। तो देख सकते हो, सबसे पहली बात तो वायबल ट्रांजिट लैंड लॉक्ड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए खुल जाएंगी, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इन टू डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेरिटी, एंड ऑल्सो विल एड्रेस स्ट्रेटेजिक कंसर्न्स ऑन लिमिटेड लैंड बेस्ड कनेक्टिविटी, है ना। क्योंकि आपको ही पता है चिकन नॉक क्रोडेर जो है आपका सिक्किम रीजन वाले से जो आपका नॉर्थ ईस्ट को कनेक्ट करता है, कहीं ना कहीं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटजिक लोकेशन है ना। चाइना जो है वो बेसिकली प्रयास करते रहता है कि कैसे करके इसको कंट्रोल में लिया जा सके, इसलिए हमारे पास एक अल्टरनेटिव होना ही चाहिए टू डील विद दैट, है ना। तो आप समझ सकते हैं, एंड वी हैव प्रोवाइडेड इकोनॉमिकल फास्टर सेफर एंड इन्वायरमेंटल फ्रेंडली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, न्यू एवेन्यू ऑफ कल्चरल एंड हेरिटेज टूरिज्म, मार्केट एसेस टू ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्ट एंड हैंडलूम, ये सब कुछ बेनिफिट्स होंगी। एलोंग विथ ये जो आपका कालादान प्रोजेक्ट है, इट कनेक्ट कोलकाता किसके साथ, सितवे पोर्ट के साथ, रखने स्टेट ऑफ म्यांमार बाई सी, है ना। तो ये देख सकते हो, कालादान प्रोजेक्ट कनेक्ट कोलकाता विथ सितवे पोर्ट इन रखने स्टेट इन म्यांमार बाई सी, और देख सकते हो म्यांमार में इट विल देन लिंक सितवे पोर्ट टू पालतवा इन चीन स्टेट वाया द कालादान रिवर बोट रूट, एंड देन फ्रॉम पालतवा
बाय रोड टू मिजोरम। ये आपको कालादान प्रोजेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि जो कालादान प्रोजेक्ट है इसके तहत बेसिकली कोलकाता को शितवे पोर्ट जो आपका म्यांमार का है उससे कनेक्ट किया जाएगा और म्यांमार फिर लिंक करेगा शितवे पोर्ट को टू पालतवा जो चीन स्टेट में लोकेटेड है वाया द कालादान रिवर बोट रूट। उसके बाद पालतवा से रोड रूट जाएंगी टू मिजोरम, है ना। तो ये आपका आपको ये याद रखना चाहिए कि कालादान प्रोजेक्ट जो है वो बेसिकली म्यांमार और इंडिया के द्वारा इनिशिएट की गई प्रोजेक्ट है ऑन द रिवर कालादान बेसिकली एसोसिएटेड विद द कनेक्टिविटी। तो प्रीलिम्स के लिए क्या याद रखनी है, प्रीलिम्स के लिए आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि शिपमेंट कहाँ से उठी, कहाँ आई और कहाँ गई, बल्कि आपको ये याद रखना है कि प्रोटोकॉल फॉर इनलैंड वाटर ट्रेड एंड ट्रांजिट जो साइन की गई थी 1972 में इसके क्या सम प्रोविजंस है, तो ये याद रखना है ना। तो इनके सम प्रोविजंस यही है कि प्रोवाइड फॉर इनलैंड वाटरवेज रूट्स एंड पोर्ट्स ऑफ कॉल रिलेटेड एग्रीमेंट, और कुछ सिग्निफिकेंस याद रख लेना आप बस। और फिर हाँ, कालादान प्रोजेक्ट के बारे में तो जरूर पता होनी चाहिए, कौन से स्टेट्स या कंट्रीज के बीच है ये और किस इश्यू को लेकर है और कौन से रिवर पर है, ये पता होनी चाहिए। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट आर्टिकल। इट इज अबाउट पॉसिबल ओरिजिन ऑफ विंड्स फ्रॉम ब्लैक होल एक्रीशन डिस्क प्रॉब। तो ब्लैक होल के बारे में बेसिकली न्यूज है और क्या बातें नजर आई हैं। तो साइंटिस्ट फ्रॉम आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज यानी कि एरीज, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत, उन्होंने ट्रैक किया है जनरेशन ऑफ विंड्स फ्रॉम एक्रीशन डिस्क। और जब हम बात करते हैं एक्रीशन डिस्क की, देख लो आप, है ना, कुछ डिस्क टाइप का लग रहा है स्ट्रक्चर, है ना। तो एक्रीशन डिस्क की बात करें तो ये स्ट्रक्चर है ऑफन सिमिलर टू सर्कमस्टेलर डिस्क और ये फॉर्म होती है बाय डिफ्यूज मटेरियल इन ऑर्बिटल मोशन अराउंड ए ब्लैक होल। और बेसिकली जो गैस होती है, डस्ट होती है, इन सब के चारों बगल फॉल करती है टुवार्ड्स ए ब्लैक होल और अल्टीमेटली दे फॉर्म ए डिस्क अराउंड इट, और जो मटेरियल पाइल्स अप होने लगती है इन द डिस्क एंड अल्टीमेटली ड्यू टू हाई टेम्परेचर इट हीट्स अप इन एक्सेस ऑफ मिलियन डिग्रीज, और फिर ए फ्रैक्शन ऑफ दिस इन फॉलिंग मैटर वो इजेक्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ विंड्स। सिग्निफिकेंस क्या होगा इस आउटकम का, बाय ब्लोइंग डेंस गैस फ्रॉम गैलेक्टिक न्यूक्लियस एंड बाय हॉल्टिंग इन वाट्स फ्लोज फ्रॉम गैलेक्टिक हेलो जो विंड्स हैं प्ले करती हैं वाइटल रोल इन शेपिंग द इवोल्यूशन ऑफ ब्लैक होल होस्ट गैलेक्सी। और बात करें ब्लैक होल की तो क्या होता है ये ब्लैक होल, तो ब्लैक होल सिंपली ये स्पेस या पोजिशन इन ए स्पेस जहां पर ग्रेविटी अट्रैक्शन इतना ज्यादा होता है इवन लाइट कैन नॉट गेट आउट, यानी कि अगर लाइट स्ट्राइक कर रही है और इस रीजन में जा रही है तो लाइट को भी ये ब्लैक होल अपने अंदर घिसका लेगा, इसको पास होने नहीं दिया जाएगा। और बेसिकली द ग्रेविटी सो स्ट्रॉन्ग बिकॉज मैटर हैज बीन स्क्वीज्ड इनटू अ टाइनी स्पेस, इतना ज्यादा होता है कि अगर हमारी अर्थ या फिर इंटायर सोलर सिस्टम इसमें चला जाए तो ये भी उसको खा जाएगा, है ना। दिस कैन हैपन व्हेन अ बिगर स्टार इज डाइंग, और रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स ने सुपर मैसिव ब्लैक होल जो है वो स्पॉट किए है मूविंग ऑन इट्स ओन, दैट इज ये जो आपका सुपर मैसिव ब्लैक होल है वो मूव कर रही है विद अ वेलोसिटी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ इट्स सराउंडिंग गैलेक्सी नेम्ड JO4737+2456। ये आपको पता होने चाहिए, ये जो आपके JO4737+2456 ये क्या है, ये सिंपली आपकी गैलेक्सी की नाम है, ये याद रखना है आपको। और ब्लैक होल कैसे बनती हैं ये भी पता होना चाहिए, बस प्रीलिम्स के लिए यही याद रखना है। और हाँ, आपको ये भी याद रखना है कि जो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस है ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है दैट कम्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बात करते हैं स्क्रैपिंग 3 करोड़ रेशन कार्ड्स फॉर नॉट लिंकिंग आधार टू सीरियस, ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बात आई है। तो पेटिशन फाइल की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पेटिशन के आधार पर कहा गया
कि जो इंसिस्टेंस है या जोर जो दिए जा रहे हैं, प्रेशर जो दिए जा रहे हैं कि आधार एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन हो तभी आपको राशन सर्विसेज मिलेंगी, इसके कारण हुआ ये है कि कैंसिलेशन ऑफ नियरली 4 करोड़ राशन कार्ड्स है ना, ये पेटिशन में बात कही गई थी। और पेटिशन में साफ साफ बोला गया था ये जो आधार एंड बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जो नियम कानून लगाए गए हैं हैज लेड टू द कैंसिलेशन ऑफ नियरली 4 करोड़ राशन कार्ड, एंड दिस इज प्राइमरली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल सिस्टम बेस्ड ऑन इरिस आइडेंटिफिकेशन या फिर थंबप्रिंट्स, नॉन प्रोसेशन ऑफ आधार, नॉन फंक्शनिंग ऑफ इंटरनेट इन रूरल एरिया, इन सब के कारण हुई है ना। अगर हम बात करें राशन कार्ड की, तो राशन कार्ड क्या है, डॉक्यूमेंट है, इश्यू की जाती है अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, किस लिए, फॉर परचेजिंग एसेंशियल कमोडिटीज फ्रॉम फेयर प्राइस शॉप, किस रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर, अंडर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। और जो पीडीएस है वो इंट्रोड्यूस की गई थी अराउंड वर्ल्ड वॉर 2 एज ए वॉर टाइम रेशनिंग मेजर। 1990s में इसको रिवाइव किया गया टू इम्प्रूव एसेस इन हिली एंड इन एसेसिबल एरिया एंड ऑल्सो टू द टारगेटेड पुअर। सब्सिक्वेंटली टीपीडीएस यानी कि टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम लॉन्च कर दी गई 1997 में टू फोकस ऑन द पुअर। लिंकिंग ऑफ आधार एंड राशन कार्ड्स ये प्रपोज की गई है अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम, और इसके अनुसार कार्ड होल्डर्स को जरूर लिंक करना होगा आधार के साथ एंड राशन कार्ड के साथ अलोंग विद देयर मोबाइल नंबर, तभी जाके उनको वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम के तहत बेनिफिट मिलेंगी इंटर ऑपरेटिबिलिटी वाली। बेनिफिट क्या होगी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोगस कार्ड टू प्रोवाइड इंट्रा स्टेट एंड इंटर स्टेट पोर्टेबिलिटी ऑफ राशन कार्ड प्रिवेंटिंग लीकेजेज। और देख सकते हो आधार कहाँ कहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, कहाँ कहाँ है आप देख सकते हो। वेलफेयर स्कीम्स जैसे पीडीएस, एलपीजी, मनरेगा क्या यहाँ पर है, बिल्कुल है। आईटी रिटर्न्स बिल्कुल है। लिंकिंग टू पैन कार्ड बिल्कुल है। बैंक अकाउंट के लिए नहीं है फिर भी मांगते हैं। सिम कार्ड के लिए है नहीं है फिर भी मांगते हैं। प्राइवेट कंपनीज नहीं है। स्कूल एडमिशन नहीं है फिर भी मांगते हैं। नीट, यूजीसी, सीबीएसई इन सब के लिए आधार कार्ड की जरूरत नहीं है। तो क्या क्या के लिए जरूरत नहीं है, नीट, यूजीसी, सीबीएसई इन सब के लिए नहीं है। स्कूल एडमिशन के लिए नहीं, प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं, सिम कार्ड के लिए नहीं, बैंक अकाउंट के लिए नहीं, पैन कार्ड के लिए हाँ, आईटी रिटर्न्स के लिए हाँ, मनरेगा वेलफेयर स्कीम के लिए हाँ। बात करते हैं शॉर्ट टर्म यूज की, इट इज अबाउट लोकसभा पास द अप्रोप्रिएशन बिल 2020-21। द अप्रोप्रिएशन बिल काफी इंपॉर्टेंट होता है। अप्रोप्रिएशन बिल 2020-21 इसके तहत बेसिकली ऑथराइज कर दी गई है गवर्नमेंट को कि अब वो 110 ट्रिलियन रुपी विद्रो कर सकती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फॉर इट्स वर्किंग एज वेल एज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम और स्कीम जो चलाई जाती है। और ये याद रखना है कि जब भी अप्रोप्रिएशन बिल का इनेक्टमेंट हो जाता है यानी पास हो जाती है, तो इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है मनी विद्रॉ कर सकती है फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फॉर मीटिंग द एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। और ये ऐसा क्यों किया जाता है, क्यों हमें अप्रोप्रिएशन बिल पास करवाने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आर्टिकल 114 क्लॉज 3 कहता है नो अमाउंट कैन बी विद्रॉन फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड विदाउट द इनेक्टमेंट ऑफ सच लॉ बाय पार्लियामेंट। Now we have Section 56J of Central Civil Services Pension Rules 1972. तो ये जो आपका Section 56J है, ये Section invoke की गई है against 90 Group A officers and 80 Group B officers in the last 2 years. और इस rules के तहत government has the absolute right to retire government officials prematurely on the ground of lack of integrity, ineffectiveness in public interest. ये जो रूल्स हैं ले डाउन द पॉलिसी ऑफ पीरियोडिक रिव्यू एंड प्री मेच्योर रिटायरमेंट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स। और द नेक्स्ट इज अबाउट डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिकली बैंक्स। तो ये जो लिस्ट है डोमेस्टिकली इंपॉर्टेंट सिस्टमेटिक बैंक्स, इसको वाइड की जा सकती है या फिर ये वाइडन हो सकता है आफ्टर द मर्जर ऑफ स्टेट रन बैंक्स। प्रेजेंटली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये तीन ही है जो डोमेस्टिकली सिस्टमेटिकली इंपोर्टेड बैंक्स हैं, या फिर ये वैसे बैंक्स हैं जो कंसिडर किए जाते हैं दे आर टू बिग टू फेल। एंड डीएसआईबी सिग्निफिकाइज कि जो सब बैंक्स हैं बिकम सिस्टमेटिकली इंपोर्टेंट ड्यू टू देयर साइज, क्रॉस जनरेशनल एक्टिविटीज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ सब्स्टिट्यूट एंड डोमेस्टिक या ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस। और देख सकते हो बैंक्स हुज एसेट एक्सीड्स 2% ऑफ जीडीपी वो कंसिडर किए जाते हैं पार्ट ऑफ दिस डीएसआईबी, ये रट लेना है ना।
Banks whose assets exceed 2% of GDP are considered as a part of this group, and DSIB framework 2014 requires RBI to disclose name of the bank which has been designated as DSIB every year. तो ये याद रखना है आपको, और फिर ये भी आपको पॉइंट याद रखनी है, और ये भी याद रखनी है कि SBI, ICICI and HDFC ये भी तीन ही हैं. And now we have a Stop TV partnership. ये जो Stop TV partnership है 2001 में फाउंड की गई थी. जो पार्टनरशिप मिशन है इज बेसिकली टू सर्व एवरी पर्सन जो वल्नरेबल है टीबी से एंड इंश्योर हाई क्वालिटी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट एंड केयर टू ऑल हु इज नीड. और ये बेसिकली 1700 पार्टनर्स बेसिकली से जुड़े हुए हैं जिसमें इंटरनेशनल और टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन शामिल है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स, रिसर्च एंड फंडिंग एजेंसी, फाउंडेशंस एंड जियो सिविल सोसाइटी कम्युनिटी ग्रुप्स, ये सब शामिल है पार्टनर्स में. यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इनको अपॉइंट किया गया है चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड का. रट लेना ये काफी इंपॉर्टेंट है, यू टीवी के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं. यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टॉप टीवी पार्टनरशिप बोर्ड, और दिस बोर्ड प्रोवाइड्स लीडरशिप एंड डायरेक्शन, मॉनिटर्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीड पॉलिसीज, प्लान्स एंड एक्टिविटीज ऑफ द पार्टनरशिप. नाउ द नेक्स्ट इज अबाउट फ्लेमिंगोस. तो फ्लेमिंगोज के बारे में न्यूज इसलिए आया है कि फ्लेमिंगोज आर येट टू लीव चिलिका लेक इन ओडिशा डिस्पाइट द अर्ली ऑनसेट ऑफ समर. और अगर हम बात करें फ्लेमिंगोज की तो ये जनरली आती हैं, ये बेसिकली माइग्रेटरी बर्ड है, ये चिलिका में आती है ड्यूरिंग लेट विंटर, और अभी ये गई नहीं है जबकि ऑनसेट ऑफ समर हो गया है. और फ्लेमिंगोज आर फेमस फॉर देयर ब्राइट पिंक फीडर्स, स्टिल्ट लाइक लेग्स एंड एस शेप्ड नेक. और 6 नॉन स्पीसीज ऑफ फ्लेमिंगोज को ये याद रखना है, भारत में सिर्फ 2 स्पीसीज मिलती है, एक तो आपका ग्रेट फ्लेमिंगो है जो कि लीस्ट कंसर्न है, एक तो लेसर फ्लेमिंगो है जो नियर थ्रेटेंड में, एंड दे आर फिल्टर फीडर यानी कि प्रे को टेक अवे करती है वाटर को भी एंड दस फिल्टर आउट वाटर, है ना, तो जो प्रे है उसे खा लेंगे बदले में वाटर ये छोड़ देंगे. एंड गेट देयर कैरेक्टरिस्टिक पिंक कलर फ्रॉम देयर डाइट ऑफ ब्रिंस राइम्स एंड एलगी. ये थी हमारी आज की डिस्कशन, होप आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. थैंक यू वेरी मच.